हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब दोस्तों? क्या आप स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट या फिर ट्रेड करने के लिए ग्रो ऐप यूज करते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग सीजन आ चुका है और ITR फाइल करने की लास्ट डेट यानी कि 31 जुलाई बहुत नजदीक है। इसलिए अगर आप इस बात से चिंतित हैं कि आप हजारों ट्रेड ट्रांजैक्शंस पे कैपिटल गेन्स टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो घबराइए मत, ये काम अब आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि किस तरह आप ग्रो ऐप के थ्रू बड़ी आसानी से अपने स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स या ट्रेड्स पे एप्लीकेबल कैपिटल गेन्स टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ऐसा सुपर्ब तरीका बताऊंगी जिससे आप कुछ ही सेकंड्स में अपना कैपिटल गेन्स टैक्स का डेटा ITR फॉर्म में फिल कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। दोस्तों, अगर आप स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो फिर चाहे आपको एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में लॉस हुआ हो या प्रॉफिट, आपको ITR जरूर फाइल करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम, जब लॉस हुआ है उस पर तो टैक्स लगेगा नहीं, फिर ITR में कैपिटल लॉस रिपोर्ट करने का झंझट ही क्यों उबाले, है ना? देखिए, अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स पे कैपिटल लॉसेस होते हैं और आप उन्हें ITR फॉर्म फाइल करते समय रिपोर्ट करते हैं, तो आप उन लॉसेस को अगले 8 सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। यानी कि आने वाले 8 सालों में उन लॉसेस को आप अपने कैपिटल गेन्स के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। इस बारे में हमने डिटेल में इस वीडियो में बात की थी। आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाकर वीडियो में मिस्टेक नंबर 4 चेक कर सकते हैं। एक और कारण जिस वजह से लोग अपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स पे हुए गेन्स या लॉस को ITR फॉर्म में रिपोर्ट नहीं करते, वो है हजारों ट्रांजैक्शंस को मैन्युअली पढ़ना और उन पे इफेक्टिव टैक्स कैलकुलेट करना। इसके बाद भी कितना टैक्स लॉन्ग टर्म है, कितना शॉर्ट टर्म, उफ, काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। लेकिन डोंट वरी, ग्रो ने ये काम आपके लिए बहुत आसान बना दिया है। आपको सिंपली ग्रो ऐप में जाके टॉप राइट कॉर्नर पे दिख रहे यूजर आइकन पे टैप करना है, फिर आपको रिपोर्ट्स पे टैप करना है, देन सबसे ऊपर आपको टैक्स फाइलिंग सेक्शन में कई रिपोर्ट्स दिखेंगी। अगर आप ELSS यानी कि टैक्स सेवर फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं और आपको सेक्शन 80C के अंडर डिडक्शंस क्लेम करने के लिए उन इन्वेस्टमेंट्स का रिकॉर्ड चाहिए, तो आप टैक्स प्रूफ 80C ELSS स्टेटमेंट सेलेक्ट करके जिस भी फाइनेंशियल ईयर का डेटा आपको चाहिए वो डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको अपने म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट्स पे लगने वाले कैपिटल गेन्स टैक्स का डेटा चाहिए, तो आप नेक्स्ट 2 ऑप्शंस पे टैप करिए, फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करिए और डाउनलोड बटन पे टैप करिए। इसके बाद आपकी कैपिटल गेन्स रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी और उसकी कॉपी आपको अपने रजिस्टर्ड ईमेल पे भी रिसीव हो जाएगी। उनमें आपके लिए पहले से कैलकुलेटेड होगा कि आपके स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स पे कितना टैक्स एप्लीकेबल है, उसमें से कितना लॉन्ग टर्म है और कितना शॉर्ट टर्म। इन शॉर्ट, सारी कैलकुलेशन आपको एक एक्सेल शीट में ऑटोमेटिकली की हुई मिल जाएगी। सिमिलरली, आप अपनी FNO ट्रेड्स पे एप्लीकेबल टैक्स भी टैक्स रिपोर्ट FNO पे टैप करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अपने स्टॉक्स या FNO ट्रेड्स की प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट चाहिए, तो वो भी स्टॉक्स सेक्शन के अंडर PNL रिपोर्ट और FNO PNL रिपोर्ट ऑप्शंस पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। फिर इस सारा डेटा आप अपने CA को दे सकते हैं या फिर अगर आप किसी टैक्स फाइलिंग पोर्टल का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे अपलोड कर सकते हैं, है ना? सिंपल। लेकिन कैसा होगा अगर मैं आपको इससे भी सिंपल प्रोसीजर बताऊं जिसे आप सिर्फ कुछ सेकेंड्स में अपने कैपिटल गेन टैक्सेस को फाइल कर सकते हैं? जी हाँ, लिटरली सेकेंड्स। मगर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप मार्केट और पर्सनल फाइनेंस से जुड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मिस ना करें। गाइज, आपके टैक्स फाइलिंग प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए ग्रो ने इंडिया के टॉप टैक्स फाइलिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे कि क्लियर टैक्स और क्विको के साथ पार्टनरशिप की हुई है, और अगर आप उनके थ्रू अपने ITR फाइल करते हैं तो सिर्फ कुछ क्लिक्स में ही आपके इन्वेस्टमेंट्स में लगने वाले टैक्सेस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगे। तो चलिए, इस वीडियो में मैं आपको क्लियर टैक्स का एग्जांपल लेकर के समझाती हूँ।
सबसे पहले आपको जाना है www.cleartax.in पे। नेक्स्ट, अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो लॉग इन करिए, अदरवाइज आप ईमेल आईडी, पासवर्ड और अपनी पर्सनल डिटेल्स जैसे कि पैन डाल के ओटीपी वेरिफिकेशन करके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। फिर आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस और बैंक डिटेल्स अच्छे से वेरीफाई कर लें और टैक्स फाइलिंग सेक्शन में जाइए। नेक्स्ट, आईटीआर फाइल करते समय आपके सामने ये स्क्रीन आएगी जहां आपको डिफरेंट कैटेगरीज में अपनी इनकम ऐड करनी है। अब ये वीडियो स्पेसिफिकली कैपिटल गेन्स के लिए बनाया जा रहा है तो हम सिर्फ उसकी ही बात कर रहे हैं। आपको कैपिटल गेन इनकम सेक्शन में एड डिटेल्स बटन पे टैप करना है। उसके बाद आपके सामने ब्रोकर्स की लिस्ट ओपन हो जाएगी, आपको ग्रो को सिलेक्ट करना है। फिर आपके सामने दो ऑप्शंस होंगे, या तो आप अपनी पीएनएल स्टेटमेंट डाउनलोड करके यहां अपलोड कर सकते हैं या फिर आप लॉगिन एंड इंपोर्ट बटन पे क्लिक करिए। हम क्लिक करेंगे लॉगिन एंड इंपोर्ट पे। फिर आपके सामने ग्रो की लॉगिन स्क्रीन ओपन होगी, वहां आप अपना ग्रो पे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करिए, 4-digit PIN डालिए एंड बूम, ऑटोमेटिकली आपका कैपिटल गेन्स टैक्स कैलकुलेट होकर के आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। फिर आप कंटिन्यू पे क्लिक करके अपनी बाकी इनकम सोर्सेस ऐड करिए और अपना आईटीआर फाइल कर लीजिए। तो देखा कैसे आपने अपने ग्रो अकाउंट को क्लियर टैक्स के साथ इंटीग्रेट करके सिर्फ सेकंड्स में ही अपने कैपिटल गेन टैक्सेस फाइल कर लिए। इसी तरह आप क्विको में भी अपना ग्रो अकाउंट कनेक्ट करके अपने कैपिटल गेन्स टैक्सेस आसानी से कैलकुलेट और फाइल कर सकते हैं। अगर इस प्रोसेस में आपके कुछ भी क्वेश्चंस या फिर डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करिए। मार्केट, इन्वेस्टिंग और फाइनेंस से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैप्पी टैक्स फाइलिंग, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.